गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल रीड यूनिट नाइन पोयम फोर्स द नॉटी बॉय नॉटी बॉय मतलब होता है शरारती बच्चा देर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही वो बहुत ही शरारती होता है और बहुत ही मस्ती करता है ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड द पीपल देर टू सी एक दिन उसने ऐसी शरारत की कि वो घर से निकल गया स्कॉटलैंड की तरफ वहाँ के लोगों को देखने के लिए देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉस एस हार्ड अब वहाँ पे उसने देखा कि ग्राउंड मतलब ज़मीन जो वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही सख्त और कठोर है दैट अ यार्ड वॉस एस लॉन्ग यार्ड मतलब होता है जो हमारे घर के सामने की जो एरिया जो ज़मीन होती है वो उसको हम यार्ड कहते हैं वो उतनी ही लंबी है जितनी की इंग्लैंड की जमीन है दैट आर सॉन्ग वॉज एस मैरी जो वहाँ पे सॉन्ग मतलब होता है कि गाने जो वहाँ के गाने हैं वो उतने ही आनंदित मतलब अच्छे हैं जितने की इंग्लैंड के सॉन्ग्स हैं मतलब गाने हैं मतलब अपने एन्जॉय कर सकते हैं जितने जैसे हम इंग्लैंड के गाने एंजॉय करते हैं, वैसे ही हम स्कॉटलैंड के भी गाने स्वीट और बहुत ही आनंदित हैं अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ आर चेरी वॉज एज रेड चेरी मतलब होता है फ्रूट आपको पता है कि चेरी जो होती है वो कैसी होती है एकदम रेड एकदम लाल कलर की होती है तो जो स्कॉटलैंड की चेरी है वो भी एकदम लाल लाल है That lead was as weighty. That four score was a एटी लीड मतलब होता है एक मेटल एक मेटल का नेम है उसको हम बोलते हैं लीड वो कैसा है Weighty मीन्स भारी तो जो लीड है वो उतना ही भारी है कि जितना कि स्कॉटलैंड का है दैट फोर score वॉज एस एटी फोर स्कोर मतलब अब ट्वेंटी को अगर फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा वो एट्टी तो वो ऐसा बताता है जो स्कॉटलैंड का फोर स्कोर है वो भी इंग्लैंड के जितना ही भारी है दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड जो डोर मतलब जो दरवाज़ा हम दर, डोर को बोलते हैं दरवाजा तो वो कैसा है लकड़े का है जैसा कि इंग्लैंड में है सो ही स्टूड इन हीज शू एंड ही वंडर अब वो अपने शू के अंदर मतलब जो उसने शूज पहने हुए थे उसके पाँव के अंदर उसने शू पहने हुए थे उसमें वो खड़ा हो गया और सोचने लग गया वंडर मतलब सोचना ही स्टूड इन हि शू एंड ही वनडर अब वो सोच में रह गया वो अपने शू के अंदर खड़ा रह गया और सोचता ही रहा सोचता ही रहा वंडर मतलब सोचना थैंक यू आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दी पोएम